बहुत सुपर मौसम है। हेलो नावला। हेलो ट्रैकर्स, अभी हम जा रहे हैं कोरीगढ़ ट्रैक, और हम रास्ते में अभी टाइगर पॉइंट के आगे वाला एक व्यू है यहाँ पे। और हमारे आज के साथी ट्रैकर साथी ये है विकेश भाई, गायकवाड़ साहब, और ये हमारे अब्दुल भाई, और मैं आपका आरएक्स राइडर। गायकवाड़ साहब एकदम खुश, एकदम एकदम खुश। विशाल भाई को सिर्फ मिस किया है। विकेश भाई अभी अपना फेस नहीं दिखाएंगे, वो गॉगल पहनने के बाद ही दिखाएंगे। विकेश भाई अपने को बहुत अच्छी बात बताना चाह रहे हैं। विकेश भाई, भाई लोग जर्नी का ही असली मजा है, साथ में चलने का, गप्पे मारने का, बात करते पहुंचने का, डेस्टिनेशन पे गया दो चार फोटो लेने का, बस इतना ही काफी है। और जो मस्ती मजा रास्ते में, गाइज हमें एमबी वैली के पहले से ही एक पार्किंग है, वहां से हमें स्टार्ट करना है ट्रैक, बट हम गलती से एमबी वैली आ गए। एक्चुअली इधर कोहरा इतना ज्यादा है कि हम उस कोहरे में बहते चले गए। फाइनली हम पहुंच गए कोरीगढ़ ट्रैक के पार्किंग में। 5 मिनट में स्टार्ट कर देंगे भाई, चाय पी के रिफ्रेशमेंट लेते हैं और चालू करते हैं कोरीगढ़ ट्रैक। भाई वेदर तो बहुत ऑसम है, पार्किंग की फैसिलिटी भी है यहाँ पे बराबर, और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे है एमबी वैली। अगर आप वन नाइट स्टे या हॉल्ट करना चाहते हैं यहाँ पे तो एमबी वैली इज अ गुड ऑप्शन। चलो भाई ट्रैकिंग चालू विद द हेड व्यू, क्या बात है। ट्रैकिंग के शूज हमारे पास है नहीं, बट हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट हुआ है ऐसे, हम लेट है स्टार्ट करने में। वापसी कर रहे हैं, थाइस दुख में शुरू है। बिल्कुल सीढ़ियां ज्यादा है करके, और ज़्यादा स्लिपरी नहीं है सो फार, अभी आगे और पता चलेगा। ये छोटे छोटे झरने आते हुए, आज मेरा सेटअप बेयर ग्रिल जैसी नहीं दिख रहा है। तो ये है कोरीगढ़ फोर्ट, सुपर व्यू। किले कोरीगढ़, इसमें हिस्ट्री लिखी है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से हमारी स्टेप्स स्टार्ट होने वाली। जय शिवाजी, जय शिवाजी, महादेव। सो गाइस, जस्ट फॉर मोटिवेशन, ही और शी इज 7 months ओल्ड एंड शी इज हियर एट कोरीगढ़ फोर्ट ट्रैक, जस्ट एन इंस्पिरेशन। यार फ्री फ्लोइंग वाटर है यहाँ पर, दिस इज नेचर एट इट्स बेस्ट। पहले जो ट्रैक बिगिनर लग रहा था, हम जैसे बिगिनर्स के लिए अभी हार्ड हो गया है। क्या कहना है आपका? बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, क्योंकि हम बिगिनर है। चलो गाइस, हाउ द जोश। फेलो ट्रैकर्स भी यहाँ पे आए हुए हमारे, बट यहाँ पे आने के बाद जो फील है नेचर के बीचों बीच, दिस इज वेरी वेरी ऑसम। एवरीवन
शुड ट्राई दिस ट्रैक. ओ वी हैव अ स्मॉल वाटर लीक ओवर हियर. पहले पता नहीं था, फर्स्ट टाइम यहाँ है और बहुत सुपर बहुत सुपर. तो ये जो फ्लैट सर्फेस है टॉप पे, उसके बीचों बीच ये वाटर बना है. सो डेफिनेटली ये नेचुरल वाटर जो हमारा रेनफॉल में आता है वो यहाँ पर स्टोर होता है, और यही हम इसके आसपास छोटे छोटे झरनों में देखते हैं. यहाँ पे ट्रैक करके ऊपर आने में अराउंड 40 मिनट से 1 घंटे का टाइम लगा है, और ऊपर घूमने के लिए अराउंड 25 मिनट्स 30 मिनट्स सफिशिएंट टाइम है. सो ओवरऑल आई वुड रेट दिस प्लेस एज 5 out of 5 फॉर बिगिनर्स. एक्सपर्ट लोगों को लिए बहुत ही इजी ट्रैक है ये, बहुत अच्छे. नाश्ते के बाद हम अब यहाँ से निकले हैं. कांदे भजे बहुत ही अप्रतिम स्वादिष्ट बने हुए थे, और हम वापस सब नीचे पार्किंग की तरफ जाते हुए. सो गाइज हमारी ट्रैक फाइनली ऑलमोस्ट ओवर होने पे आ गई है, एंड दिस इज लाइक द लास्ट पैच. भाई लोग ये ट्रैक मेरे हिसाब से बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, और फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है. तो फैमिली को लेके आओ, एंजॉय करेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, तो इजीली चढ़ सकते हैं और अच्छा व्यू एंजॉय. तो विकेश भाई आप कितना रेट करेंगे ये ट्रैक को, आउट ऑफ फाइव दिस ट्रैक इज इफ़ इजीनेस इज 4.5, बट इफ़ द व्यू एट द टॉप इज 5 out of 5. आई वुड रेट इट 6 out of 5. आई लाइक इट टू मच. तो अभी हम लोग यहाँ से पार्किंग से गाड़ी निकाल के हम लोग जाएंगे नवी मुंबई वाया टाइगर हिल्स, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 85 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस ट्रैक पॉइंट. होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब.